जी पवन केसर टीकमगढ़ के माध्यम से ये छोटा सा कीर्तन आपकी सेवा में रखने का प्रयास कर रहा हूं। कि भक्त का काम है भगवान का नाम लेने का और भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। तो जब तलक जिंदगी फुर्सत न मिले कामों से, अरे कुछ वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो हर के नामों से। आज के इस कलयुग समय को देखते हुए कहना है कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, मेरा ईश्वर आज इंसान कैसा बेरहम हो गया, आज इंसान कैसा बेरहम हो गया। क्यों देखें आप, है बड़ी दुखदाई गऊंओं की जिंदगानी। आज कभी किसी समय भगवान ने जिनको गौ मां माता समझकर पूजा था, आज उन गौ मां की क्या स्थिति है सभी अवगत हैं। इसलिए बड़े गौर से ध्यान दें पंक्तियों पर। है बड़ी दुखदाई गऊंओं की जिंदगानी, है न पेट भर के भोजन ना ही पीने को पानी। हमारी गौ माँ आज रास्तों में भटकती फिरती है, कहीं कोई चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं करता कोई। है न पेट भर के भोजन ना ही पीने को पानी, और जिनको माई था समझा, जिनको माई था समझा क्यों कसाई हो गया। कभी हम जिनको माँ समझते थे आज भी समझते हैं, लेकिन केवल कहने के लिए, करने के लिए कुछ और कहने के लिए कुछ और। बहुत से ऐलान होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गौ माँ की बहुत स्थिति खराब है। जिनको माई था समझा, जिनको माई था समझा क्यों कसाई हो गया, इस जमाने को क्या हो गया। और देखिए आप, दूसरी बात ले रहा हूं,
आज सहे मीसिया है मन में हरण की है शंका। देखो हर गली गली में बस गई दशानन की लंका। आज हमारी माताएं बहनें महफूज नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ संकट बाधाएं उनके समक्ष आती रहती हैं। इसलिए आज सहे मीसिया है मन में हरण की है शंका। देखो हर गली गली में बस गई दशानन की लंका। और जागो बैकुंठ वाले हे परमात्मा, ये क्या से क्या हो रहा है? तो जागो बैकुंठ वाले, जागो बैकुंठ वाले, क्या से क्या हो गया दोस्तों इस जमाने को, क्या हो गया? चाहे जाओ मथुरा काशी, चाहे जाओ हरिद्वार, सारे तीर्थों से बढ़कर अपने माँ पिता का प्यार। सारे तीर्थ अपने घर पर ही हैं, केवल सच्चे मन से श्रद्धा हो मन में अपने माँ बाप के प्रति, जिन्होंने ये संसार देखने को एक उपकार किया हमारे ऊपर। चाहे जाओ मथुरा काशी, चाहे जाओ हरिद्वार, सारे तीर्थों से बढ़कर अपने माँ पिता का तो माँ की ममता तड़पती। अगर कोई बालक, किसी बालक को थोड़ी सी भी चोट लग जाए, वो छोटा हो या कितना भी कितनी भी उम्र का हो, माँ बाप से बढ़कर पीड़ा किसी को नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग, हालांकि सभी लोग नहीं, कुछ लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा देने के बजाय छोड़ देते हैं, ये सबसे गलत बात है। तो माँ की ममता तड़पती, हाँ माँ की ममता तड़पती, लाल दूर हो गया दोस्तों इस जमाने को, क्या हो गया? इंसान